हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं कंप्यूटेशन ऑफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट इन ए सिस्टम। आज का जो अपना वीडियो है वो किसी तंत्र के लिए अगर अपन बात करें तो तंत्र के लिए जो घटकों की संख्या है उसकी जो गणना है उससे रिलेटेड है। अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ देखी थी कि अपन ने जो टर्म ऑफ आपके फेज इक्विलिब्रियम में पढ़ रहे थे उसमें अपन ने अलग अलग जैसे आपकी टर्म पढ़ाई थी, जैसे आपके फेज रूल हो गया, फेज हो गया, उसके बाद आपका कंपोनेंट हो गया। उसी कंपोनेंट में एक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक दे रखा है, वो टॉपिक आज अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि भी आपका जो अवयवी कणों की संख्या कहते हैं या अवयवी घटकों की जो संख्या है वो किस तरह से काउंट की जाती है, किस तरह से उसकी गणना की जाती है, अपन उसके लिए आज अपने वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे किसी तंत्र के लिए अगर बात करें उसमें घटकों की जो संख्या है उसको ज्ञात करने के लिए जो है आपको निम्नलिखित सूत्रों की आपकी आवश्यकता पड़ेगी। जहां पर बताया गया है कि तंत्र है सामान्यतः दो प्रकार के हो सकते हैं, कि आपका जो जो सिस्टम है ये आपको कितने टाइप से देखने को मिलेगा, टू टाइप से आपको इसमें देखने को मिलेगा। जिसमें अगर फर्स्ट अपना बात करें तो जहां पर अपन बात की कि जिनके जो अवयवी घटक है, अवयवी घटक के मध्य क्या हो, कोई रासायनिक क्रिया संबंध नहीं हो, कोई रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया के दिन संपन्न नहीं। अपन यहां पर पहले जो सिस्टम है उसमें क्या देखने को मिलेगा, अवयवी घटकों के मध्य कोई क्रिया नहीं हो रही। दूसरे से देखिए, दूसरे में अगर बात करें तो दूसरों में कहते हैं कि जिनके अवयवी घटकों के मध्य क्या हो, परस्पर क्रिया हो, ये कहते हैं अंतःक्रिया कह सकते हैं, जिस तरह भी बताएं क्रिया होती हो। तो यहां पर ये क्या करेंगे, इसके आधार पर अपन जो एक्सप्लेनेशन देंगे, दोनों ही एक्सप्लेनेशन है जो अपन ने अभी पढ़े हैं, दोनों के लिए अपन यहां पर क्या लिखेंगे, जो सूत्र है आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, दोनों अलग अलग है, एक क्रिया नहीं हो रही, एक क्रिया हो रही है, दोनों के सूत्र क्या होगा, अलग अलग। अब इसमें सुनना है आपका जो फर्स्ट है, ठीक है, किसका फर्स्ट का फर्स्ट बात करें तो यहां पर देखिए इसमें क्या करें कि अभिक्रियाशील तंत्रों के लिए बात करें, अभिक्रियाशील तंत्रों के लिए तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे कि यहां पर घटकों की संख्या है, तो ये तो निकाल रहे हैं, तो घटकों की संख्या इक्वल हो जाएगी अवयवों की संख्या, जितने अवयवी भाग ले रहे हैं ना उनके बराबर हो जाएगी। तो पहला तो इससे रिलेटेड हो जाएगा। दूसरा अपन बात करें जो क्रियाशील आपका दूसरा तंत्र होगा, तो यहां पर यही पेपर इस पर एक्सप्लेन कर दें, सेकेंड लिखे कि क्रियाशील तंत्रों के लिए, तो यहां पर ये अपन कह दें कि भी ये सेकेंड से रिलेटेड सेकेंड हो गया। अब ये जो दूसरा है यहां पर चीज समझनी है, यहां पर अपन अगर बात करें जो घटक है उसकी संख्या की बात करें तो घटकों की संख्या है उसको तीन चीजों से एक्सप्लेन किया जाता है। पहला है भाई आपकी अवयवी कणों की संख्या, जिसको क्या बोला जाता है सी,
माइनस। दूसरा जो इसमें चीज आएगी रासायनिक जो आपकी अभिक्रिया है उसकी संख्या, रासायनिक अभिक्रिया की संख्या ये आपकी है आर। फिर माइनस की बात करें तो यहां पर नियंत्रित परिस्थितियों में अगर क्या हो रही हो, अभिक्रिया हो रही हो तो उसकी संख्या, नियंत्रित परिस्थितियों में होने पर संख्या, इसको अपन क्या लिखते हैं जेड लिखते हैं, नियंत्रित परिस्थितियों में होने पर संख्या, तो ये इसके लिए क्या है आपका जेड हो जाएगा। अब यहां पर देखिए चीज समझनी है कि इसके आधार पर है वो आपके किसी भी अभिक्रिया के लिए जो घटकों की संख्या है उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ठीक है, इसके आधार पे। तो यहां पर अपने पास जो है दो तरह के एक्सप्लेनेशन अपने पास प्राप्त हो गए, ठीक है, कि भी आपका सिस्टम क्या है दो टाइप से देखने को मिलेगा, जिसमें अपने पहला किया कि अभी भी घटकों के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, और यहाँ पर रासायनिक घटकों में जिनके अभी भी घटकों के मध्य क्या हो आपके जो अभिक्रिया है संपन्न की जाती है, और उससे रिलेटेड अपने ये दो एक्सप्लेनेशन किए। अब यहाँ पर ये जो अपन ने अभी चीज लिखी है इसको अपन है आपके उदाहरण से समझेंगे, और उदाहरण के आधार पे अपन है इसकी जो पूरी डिटेल्स जो अपन ने सेकंड वाला लिखा है मैं तो आपको इसी को एक्सप्लेन करना है, तो इसी का जो एक्सप्लेनेशन है आपके एक सिस्टम के द्वारा दिया गया है। अब यहां पर सिस्टम का नाम है सोडियम सल्फेट का जल तंत्र, सोडियम सल्फेट का जल तंत्र। अब देखिए इसमें अपन बात करेंगे कि भी इसका क्या है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, ठीक है, उसमें किस तरह से स्थितियां देखने मिली। तो इसमें पहला जो सिस्टम आपने पढ़ने वाले हैं सोडियम सल्फेट जल तंत्र। अब सोडियम सल्फेट जल तंत्र है इसके अंदर चीज समझिए, तो यहां पर सबसे पहले इसी से रिलेटेड बात करें तो इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत अपन ने प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुका है कि इसमें अपन बात करें सबसे पहले तो यहां पर कहेंगे भी घटक, तो ये कैसा है, ये द्विघटकीय तंत्र कहा जाता है, अब यहां पर द्विघटकीय तंत्र है, इसमें अगर इसकी चीज समझनी है तो अपन क्या कहेंगे कि इसको द्विघटकीय तंत्र क्यों कहेंगे कि हम इस पर कोई भी परिस्थिति लगा दें किसी तरह से भी अपन है इस अभिक्रिया को संपन्न करा दें उसके बाद इसमें जो घटकों की संख्या है वो हमेशा क्या रहेगी दो रहेगी, इसलिए इसको द्विघटकीय तंत्र कहा जाता है कि कोई भी परिस्थिति आओ लगाओ उसके बाद आपका जो घटक संख्या है वो हमेशा क्या आएगा दो आएगा। अब इसको है अपन पांच चार कुछ एक्सप्लेनेशन से समझेंगे कि यहाँ पर अपन ने माना कि कोई लवण है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है उसका कोई वियोजन नहीं हो रहा अतः उसमें न तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और न ही उसमें कोई नियंत्रित परिस्थिति लगाई जा रही है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो घटकों की संख्या है सामान्यतः कितनी आएगी दो आएगी। अब वो किस तरह से है तो अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो में यहां पर जो सूत्र लिखा था अवयवी कणों की संख्या, दूसरा रासायनिक अभिक्रिया की संख्या और तीसरी चीज लिखी थी जो आपके जेड लिखा था, तो आपको सिर्फ ये सूत्र ध्यान में रखना है कि C डैश इक्वल टू C माइनस R माइनस Z, इस सूत्र के आधार पे जो है अपन क्या करेंगे किसी भी अणु के लिए उसमें अवयवी कणों की संख्या बताएंगे। तो अपन ने पहली परिस्थिति बताई कि यहाँ पर आपका जो है एक तो घटकों की संख्या कितनी है दो है, अवयवी कणों की संख्या कितनी है दो है। दूसरी चीज अपन यहाँ पर क्या बताएं कि इसके लिए आपके रासायनिक अभिक्रियाएं तो वो क्या है जीरो है, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। दूसरी इसकी नियंत्रित परिस्थितियां तो भाई जब हो ही नहीं रही कोई अभिक्रिया
तो नियंत्रित परिस्थितियों की तो बात ही नहीं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन में जो चीज लिखी है, यहाँ पर R equals to 0 लिख दिया, Z equals to 0। तो यहाँ पर आपका जो आपके घटकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 2 - 1, क्योंकि अभी भी घटकों की संख्या कितनी, 2। और R क्या है, 0, और Z क्या है आपका, 0। तो equals to क्या हो जाता है, 0। तो फर्स्ट आपके इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि अगर आपके सिस्टम में कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, कोई नियंत्रित परिस्थिति नहीं है, तो आपका क्या देखने को मिल रहा है, जो आपका घटक है उसमें घटकों की संख्या कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक, पहला एक्शन रिलेशन शायद समझ में आया होगा कि भाई अपन ने यहां पर कौन कौन सी परिस्थितियां लगाई है। अब दूसरा समझना, पहले तो अपन ने कह दिया कि कोई भी योजन नहीं हो रहा, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही। अब सुनना है दूसरी परिस्थिति बताइए। दूसरी परिस्थिति में यह बताया गया है कि लवण का क्या हो रहा है, वो भाई वियोजन हो रहा है। लवण का क्या हो रहा है, ये वियोजित हो रहा है। तो वियोजित होगा तो इस परिस्थिति में अपन बात करें एक नियंत्रित स्थिति में होगी, वियोजन कर रहे हैं अपन और नियोजन करेंगे तो यहां पर नियंत्रित परिस्थिति आएगी भाई, उसी में होगा नहीं तो होगा नहीं। तो यहां पर अपन इसके लिए बात करें तो अपन ने कौन सा लिया, सोडियम सल्फेट तो लिया, जली लिए, तो यहां पर प्लस इक्वल्स टू कितने अणु हैं, 2X SO4-2, ये हो गया। अब इस अंतर के लिए बात करें, इस अंतर में आप क्या देख रहे हो, अवयवी कण है या जो अवयवी है वो कितने हैं, 3 होंगे। अवयवी कितने होंगे, 3 होंगे। अब यहां पर ये समझना है कौन कौन से होंगे, क्रम से एक तो Na+, दूसरा SO4-2 और तीसरा आपका सल्फेट, क्योंकि अपन ने शुरुआत में ये चीज लिखी है सोडियम सल्फेट का जल तंत्र। तो यहां पर अपन क्या कह रहे हैं, अवयवी कण कितने हैं, 3 हैं। तो अवयवी है 3 हो गए, अब घटक की संख्या, तो यहां पर लिखते हैं C-C-R-Z। अब इनकी संख्या रख देंगे यहां पर, तो क्या लिख देंगे, 3। अब देखिए अभिक्रिया कोई नहीं दिखाई है अपन ने, अभी यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं है, सिर्फ वियोजन आया 0+1, घटकों की संख्या क्या आ गई, 2 आ गई। प्रीवियस जो स्थिति थी उसमें भी वियोजन वगैरह कुछ नहीं हुआ था, तब भी आपके क्या देखने को मिले थे, 2 आई थी, अभी भी 2 है। ठीक है, वियोजन हुआ, वियोजन में Na+SO4-2H2O, ये बोलो 3 अवयव होंगे, तो इस तरह से निकाल दिया। अब इसके बाद तीसरी स्थिति देखिए, तीसरी स्थिति में आपके थोड़ा बहुत जो है आपको अभिक्रिया देखनी पड़ेगी। यहां पर क्या है, अभिक्रिया संपन्न की चाहिए, तो अपन यहां पर क्या करें, यह अपन यह माने कि जो लवण है वो आंशिक रूप से क्या होता है आपका, वियोजित होता है। तो वियोजित होने पर उसमें क्या देखने को मिलेगा, आपकी अभिक्रिया संपन्न होगी। तो अभिक्रिया में अपन बात करें Na2SO4, ये क्या हो रहा है, अभी वियोजित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, 2Na+SO4-2, ये हो गया। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में एक तो रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ यहां पर नियंत्रित परिस्थिति भी तो संपन्न हो रही है, तो यहां पर अपन क्या कह देंगे, XNa+(2X SO4-2) ये स्थिति है। इस परिस्थिति की अगर यहां पर बात करें तो अवयवी कणों की संख्या है
अवयवियों की जो संख्या है वो कितनी हो जाती है, चार हो जाती है। अब यहां पर चार किस तरह से कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले देखिए चीज समझनी है Na2SO4। एक तो ये हो गया आंशिक वियोजन है, एक हो गया आपका Na+ प्लस SO4-2। अब यहां पर इसके अलावा आपका जल तंत्र भी तो है, तो ये चार घटक हो गए, घटकों की संख्या ज्ञात करनी है। अब यहां पर घटकों की संख्या लिखें तो क्या लिखेंगे, C-4-1-। अब एक ही परिस्थिति लगाई है, एक वस्तु क्या हो जाता है, दो। यहां पर भी पूरी स्थितियां लगाई, पूरा सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी देखिए द्विघट की अवस्था आ रही है। अब तीसरी स्थिति सुनिए, तीसरी स्थिति में अगर यहां पर अगर बात करें अपने के, सॉरी तीसरी स्थिति ये थी, चौथी स्थिति सुनिए। अगर आपका यहां पर अगर चीज की बात करें तो जल भी क्या हो जाता है, अगर वियोजित हो जाता है, देखिए पहले अपने कोई वियोजन नहीं दिखाया, फिर पूर्ण वियोजन दिखाया, उसके बाद आंशिक वियोजन दिखाया, ठीक है, तीसरी स्थिति आंशिक वियोजन, और चौथी स्थिति है कि भाई आपका जल भी क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। अब यहां पर चौथी स्थिति में समझना है कि जब जल ही वियोजित हो जाता है, तो यहां पर जब जल भी इसके साथ क्या होगा, वियोजित होगा, तो यहां पर ध्यान रखना है जो अवयवी अवयवियों की संख्या है वो कितनी हो जाती है, अवयवी की संख्या हो जाती है छह। कितनी हो जाएगी, अवयवियों की संख्या छह। जैसे अपने यहां पर एग्जांपल से समझते हैं, Na2SO4 यहां पर ये वियोजित हुआ 2Na+SO4-2। एक तो ये हो गया, अब जल वियोजित हो रहा है H+OH-। तो यहां पर दो प्रकार की क्या देखने को मिल रही है, रासायनिक अभिक्रिया, एक तो रासायनिक अभिक्रिया एक ये और एक रासायनिक अभिक्रिया दो। अगर यहां पर ये दो संपन्न हो रही है तो नियंत्रित स्थितियां भी क्या होगी, दो संपन्न होगी। तो कुल मिलाकर आप ये कहें कि यहां पर जो है जो अवयवी की कुल संख्या कितनी हो जाती है, अब ये भी की कुल संख्या कितनी होगी, छह होगी। इस परिस्थिति की अगर बात करें तो यहां पर आपको कौन कौन से अणु देखने को मिलेंगे, Na2SO4, Na+SO4-2, H2O, H+OH-। तो इस तंत्र के लिए अगर अपन यहां पर जो है बात करें घटकों की संख्या, तो यहां पर घटकों की संख्या समझनी है, तो यहां पर अवयवी कितने हैं, छह। दूसरी बात करें समीकरण कितनी संपन्न हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया दो, तो इन्हें संपन्न कराने के लिए जो नियंत्रित परिस्थितियां हैं वो भी कितनी है, दो। तो कुल मिलाकर बात करें तो यहां पर भी वापिस घटकों की संख्या कितनी आती है, दो आती है। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो किसी भी घटक के लिए अगर यहां पर अपन बात करें तो उसकी जो घटकों की संख्या है वो हमेशा कभी नहीं बदलती, चाहे आप किसी तरह की परिस्थिति लगा लो, उसका वियोजन कर लो, आंशिक वियोजन कर लो, आपके अलग अलग कंपोनेंट जोड़ कर कर लो, आपका जो घटक संख्या है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके घटक से रिलेटेड एक उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। हालांकि एग्जाम से रिलेटेड अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है कंपटीशन के अंदर बहुत बार इससे क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।